सीरियल वो अपना सामने जानवी निशा के एविल रूप देखकर शॉक्ड हो जाती है और वो निशा और आदित्य को करती है ब्लैकमेल कि उन दोनों का अफेयर चल रहा है। सीरियल वो अपना सामने आदित्य निशा और जानवी की लाइफ में काफी हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है। आदित्य ने जब से जानवी को अपनी लाइफ स्टोरी बताई है तब से वो उसकी पूरी हेल्प कर रही है और उसको उसकी फैमिली से मिलवाने की कोशिश कर रही है। निशा को भी पता चल गया है कि जानवी ही आदित्य की हेल्प कर रही है और वो ही आदित्य को उसकी फैमिली से मिलवाने की कोशिश कर रही है। निशा ये जानकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो जानवी के घर पर जाकर बहुत बड़ा ड्रामा क्रिएट कर देती है, लेकिन बाद में निशा खुद ही जानवी के सामने ठीक होने का नाटक करती है और वो वहाँ से चली जाती है। उसके बाद निशा जानवी को कॉल करती है और उसको बोलती है कि उसे जानवी की हेल्प चाहिए आदित्य की फैमिली के साथ फिर से अच्छा रिलेशन बनाने के लिए। वो एक बार फिर से आदित्य और उसके परिवार के साथ अपने रिश्ते अच्छा करना चाहती है और वो उनके साथ दोबारा रहना चाहती है। जानवी दिल की इतनी अच्छी है कि वो निशा की बातों में आ जाती है और वो उसके घर आ जाती है निशा और आदित्य को एक करने के लिए, लेकिन यहाँ आते ही निशा कर देती है एक नया ड्रामा क्रिएट। जानवी को ब्लेम करती है कि उसका आदित्य के साथ अफेयर चल रहा है। जानवी और आदित्य ये न्यूज सुनकर हैरान हो जाते हैं कि निशा कैसे उनके साथ इतना गंदा गेम खेल सकती है। अब देखते हैं कि जानवी निशा की इस बात का जवाब कैसे देती है। वेली शो से जुड़ी सारी अपडेट्स जानने के लिए प्लीज सब्सक्राइब अस।